हाई एवरी वन वेलकम टू दिस वीडियो माइनी विस्कृति का एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग फाइन सो आगे बढ़ रहे हैं आज हम अपनी बलूकरा सीरीज के साथ में जो लोग नए हैं उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि कुछ महीने पहले हमने सोचा कि हिमाचल जी के के बहुत सारे सोर्सेज हैं एक अच्छा सोर्स जो माना जाता है वो आपकी जगमोहन बलूकरा की लिखी गई वंडरलैंड को माना जाता है तो इसको हमने कुछ एडिशन करके इसमें यहाँ पर इस सीरीज़ को चलाया है जिसका आज फोर्टियथ लेक्चर आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं तो अभी जो है ये नाइनटीन चैप्टर चल रहा है बलोकरा का बिकॉज इसमें हम इकोनॉमी देख रहे हैं इससे पहले हमने और बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं। इकोनॉमी में हमने लैंड रिफॉर्म्स देख लिए हमने टूरिज्म पॉलिसी देख ली आज इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर देखने वाले हैं तो सब सेक्टर्स बाद में देखेंगे आज सिर्फ एग्रीकल्चर रहेगा अगर आप लोगों के किसी भी तरीके के क्वेश्चंस हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं अदरवाइज आप मुझे डायरेक्टली भी जो है यहाँ पर इंस्टाग्राम हैंडल पर ऐड कर सकते हैं इन लेक्चर्स के पी आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसके अलावा जो है यहाँ पर फ्री और पेड दोनों ही कोर्सेज आपको मिलते हैं नेक्स्ट इज टेस्ट सीरीज हिमाचल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज ही है सो so, हिमाचल जीके के 1500 प्लस क्वेश्चन जिसमें बेसिक जो आपकी जोग्राफी इकोनॉमी इस सब को छोड़ के बजट सर्वे एंड देन दी करंट अफेयर्स विद दी वीडियो एक्सप्लेनेशन इस टेस्ट सीरीज में आपको मिलते हैं सो डू चेक इट आउट जो पहले तीन जोग्राफी uh, के टेस्ट हैं दे आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट एटलीस्ट उनको तो अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा सो so, आज इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर चैप्टर देखने वाले हैं Uh, बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में आज हम देखेंगे जैसे कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स जिनके ऊपर पूरा एग्रीकल्चर डिपेंड करता है किस तरीके के क्रॉप्स हम उगाते हैं कौन कौन से मेजर एरियाज़ हैं कौन से वाले जोन में वो आपके पड़ते हैं देन इज लैंड होल्डिंग्स एग्रीकल्चरल मार्केट कैसी है देन मेन्स पर्स्पेक्टिव से जो आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं जैसे लिमिटेशन ऑफ एग्रीकल्चर है फ्यूचर डेवलपमेंट किस तरीके का होगा या स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं इसके ऊपर तो हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है एंड फाइनली कुछ प्रीलियम फैक्ट्स एंड मेंस के क्वेश्चन सो so, प्रीलियम के क्वेश्चन भी मैंने लास्ट में डाले हुए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन आने की संभावना एग्रीकल्चर चैप्टर से रहती है सो so, चलिए शुरू करते हैं तो बेसिक देख लेते हैं हिमाचल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मेन ऑक्यूपेशन uh, है वो एग्रीकल्चर ही है सिंस यहाँ पर मैक्सिमम लोग रूरल एरियाज में रहते हैं दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 90 परसेंट तो उनका बेसिक Uh, जो ऑक्यूपेशन है दैट इज़ एग्रीकल्चर ओनली सेवेंटी परसेंट ऑफ द टोटल वर्कर्स अपना uh, जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज से लेते हैं तो जो अलाइड सेक्टर्स यहाँ पर हैं वो आपके हॉर्टिकल्चर हैं एनिमल हजबेंड्री फिशरीज फ्लोरिकल्चर ये सब जो है एग्रीकल्चर uh, को यहाँ पर सपोर्ट करती हैं राइट सो सेवेंटी पॉपुलेशन यहाँ पर इसके ऊपर डिपेंडेंट है जो हिमाचल का जीडीपी है उसमें भी हम देख सकते हैं कि 13.62 परसेंट ये फिगर आपको याद होना चाहिए ये कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर और उसके अलाइड सेक्टर्स का रहता है सो so, अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स के बारे में किस तरीके की लैंड होल्डिंग्स जो है हिमाचल के लोग रखते हैं यहां पर आपको मार्जिनल फार्मर्स स्मॉल देन सेमी मीडियम मीडियम लार्ज इस तरीके से फार्मर्स देखने को मिलते हैं इनकी लैंड होल्डिंग्स जो है वो इस तरीके से कुछ है तो सारा तो सारा याद करने की जरूरत नहीं है एक बार देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले लेकिन जो ये एवरेज है 0.95 जो आपका एवरेज साइज ऑफ होल्डिंग है दैट इज 0.95 पॉइंट नाइन इसके ऊपर क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा जा सकता है फाइनली आ जाते हैं हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के ऊपर तो सबसे पहले हम बात करते हैं जोग्राफी की ठीक है जोग्राफी में हम क्या देखते हैं हिमाचल में आपको अलग अलग हिल रेंजेस देखने को मिलते हैं ट्रांस हैं देन वी टॉक अबाउट लाइक आउटर हिमालय लोअर है ना शिवालिक्स जिन्हें हम आउटर um, हिमालयाज को कहते हैं सो so, उसके हिसाब से उनका टेरेंट डिफरेंट है उनका हाइट डिफरेंट है उनमें सॉइल डिफरेंट है इसी की वजह से वहां पर अलग तरीके के एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स बनते हैं जिन्हें हमने चार भागों में यहाँ पर बांटा है तो पहला आता है आपका सब माउंटेन एंड लो हिल्स अभी ये तो आपका शिवालिक्स वाला एरिया आ गया फिर आ गया सब ह्यूमिड एंड मिड हिल्स देन इज वेट टेम्परेट एंड द लास्ट वन इज ड्राई टेम्परेट जो स्पेशली आपका लाहौल का एरिया है कोल्ड डेजर्ट राइट अब मैप में थोड़ा सा देख सकते हैं तो दिस इज दी एज आई टोल्ड यू द लो हिल्स जिन्हें हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल या सब माउंटेन देन द ग्रीन वन या आ गया आपका मिड हिल्स एंड दिस इज दन येलो वन इज दाई हेज लेकिन टेम्परेट वेट है देन दिस इज द टेम्परेट ड्राई राइट अब डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कौन सा स्टे जैसे आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दिया गया जैसे किन्नौर है तो वो कौन सा एग्रोक्लाइमेटिक जोन में आता है तो आप देख सकते हैं वो आता है आपका टेम्परेट ड्राई में राइट right? आपको थोड़ा सा एरिया पता होना चाहिए इनका जैसे जो नीचे वाले स्टेट्स हैं आप देख सकते हैं ऊना हमीरपुर बिलासपुर सोलन सिरमौर एंड लार्ज पार्ट ऑफ कांगड़ा वो आपका सब ट्रॉपिकल एरिया में आता है सब ट्रॉपिकल जोन में आता है तो ये आपको थोड़ा सा होना चाहिए बेसिकली एक बार आप इस मैप को देख लेंगे तो जो है है एक मेमोरी पर डेवलप हो जाती है, आपको याद रह जाएगा जोन तो तो वन right? तो की जब हम बात करते हैं ऊना बिलासपुर हमीरपुर पार्ट्स ऑफ सिरमौर एंड कांगड़ा सोलन चंबा ये आ गया mount, uh, zone 2, zone 2 में आपका पालमपुर कांगड़ा ये वो वाला एरिया है जहाँ पर मैक्सिमम हमें रेनफॉल देखने को मिलता है यहाँ पर आप रेनफॉल देख सकते हैं 1500 हंड्रेड टू थ्री थाउजेंड मिली सो यहाँ पर धर्मशाला स्पेशली जो हिमाचल में सबसे ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पर रिसीव करता है वो भी इसमें आता है तो इसकी वजह से आपको थोड़ा आइडिया हो जाना चाहिए जैसे यहाँ पर वेजिटेबल्स काफ़ी ज़्यादा लगती होंगी यहाँ पर सिंस पानी इतना ज़्यादा है तो पैडी लग सकता है शुगर केन लग सकता है तो आपने कोर रिलेट करना सीखना है चीज़ों को कि आप थोड़ा डिडक्शन में से भी वहाँ पे आंसर निकाल सके ठीक है फिर आगे आपका हाई हिल्स टेम्परेट वेट जोन ये आपका शिमला कुल्लू सोलन चंबा पार्ट्स ऑफ सिरमौर पार्ट्स ऑफ कांगड़ा आ जाते हैं एंड देन इज फाइनली जोन फोर यहाँ पर आपका लाहौल एंड स्पीति किन्नौर एंड थोड़ा सा चंबा आता है ठीक है जोग्राफिकल एरिया की हम बात करें तो सबसे ज्यादा जोग्राफिकल एरिया आपका ऑब्वियसली जोन फोर में आएगा थर्टी नाइन परसेंट लेकिन इसमें से क्रॉप एरिया सिर्फ टू परसेंट है वाई इज दैट क्योंकि आपका डेजर्ट एरिया है और जो आपकी सॉइल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें वो ज्यादा फर्टाइल नहीं है इसकी वजह से हम उसको ज्यादा वहां पर यूज नहीं कर पाते राइट सो यहाँ पर अब देख लेते हैं कि कौन कौन से क्रॉप्स लगते हैं तो मेन क्रॉप्स जो है वो सेम ही रहते हैं आपके वीट मेज ग्राम ये ऑलमोस्ट हर जगह लगता है Uh, उसके अलावा आपको एक्सेप्शन याद रखने होते हैं जैसे हम बात कर रहे हैं सब ट्रॉपिकल की तो जोन वन उसमें क्या क्या लगता है उसमें हम देखते हैं कि शुगर शुगर केन है मास्टर्ड है पटेटो एंड वेजिटेबल्स फ्रूट्स की अगर हम बात करें नो डाउट हम नेक्स्ट लेक्चर में हॉर्टिकल्चर में अच्छे से सब कुछ देखेंगे लेकिन थोड़ा सा एक देख लेते हैं आइडिया तो यहां पर प्योर एप्पल स्ट्रॉबेरी पीच एंड प्लम तो पीच आपको याद भी होगा जो सिरमौर का मैक्सिमम एरिया है वो कहा आया वो आया आपका जोन वन में उसे पीच वैली राजगढ़ जो वैली है उसे पीच बाउल ऑफ एशिया भी कहा जाता है तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा यहाँ पर रिलेट करना है ठीक है यहां मेडिसिनल प्लांट्स uh, देख सकते हैं देन फ्लावर्स ये भी हम फ्लोरिकल्चर में देखने वाले स्पाइसिस की अगर हम बात करें तो जिंजर तो सिरमौर में सबसे ज्यादा हिमाचल में सबसे ज्यादा जिंजर जो है वो कहां पर होता है वो सिरमौर में होता है फिर हम बात करते हैं जोन टू की यहां पर आप को अगेन जो बेसिक्स है वो तो सेम ही रहते हैं वीट मेज बार्ले ये ऑलमोस्ट हर जगह है देन इज पैडी पैडी क्यों क्योंकि यहाँ पर भी ज्यादा बारिश होती है अभी प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो पैडी तो हमें यहाँ पर भी देखने को मिला लेकिन प्रोडक्शन जो है यहाँ पर ज्यादा होगी क्योंकि रिसोर्सेज ऑलरेडी यहाँ पर अच्छी तरीके से अवेलेबल है ठीक है फिर जोन टू में हमें एप्रिकॉट और आमन भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है देन इज वॉलनट एंड कीवी फ्रूट तो कीवी फ्रूट याद रखना है कीवी थोड़ा डिफरेंट आ गया एक्जॉटिक फ्रूट है हम इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो है इतना कंजम्पशन कम होता है इसको बेचने के लिए ज्यादा यूज किया जाता है तो कीवी याद रखना है जोन टू फिर आ गया आपका जोन थ्री दैट इज टेम्परेट वेट अभी टेम्परेट वेट में एप्पल जैसे ही सिंस ऑल्टीट्यूड है वो भी बढ़ रहा है तो एप्पल की क्वालिटी बढ़ती जाती है आपने यहाँ पर देखा होगा एप्पल यहाँ पर भी है है ना लेकिन एप्पल का जो साइज है वो एक बेचने लायक अच्छा जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाहर भेजा जा सकता है वो यहाँ पर ऑल्टीट्यूड पर आते हुए आता है यहाँ पर हीजल नट स्ट्रॉबेरी लगती है देन इज मेडिसिनल प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं लैवेंडर रोज है कुथ है ठीक है जिंजर एंड गार्लिक भी यहाँ पर होता है एक और चीज वो जोन थ्री एंड फोर में हमें देखने को मिलती है दैट इज बक एंड अभी ये कॉल्ड फिर आगे आपका जोन फोर अभी जोन फोर में अगेन जो आपकी सेम है एज टोली बक बकवीट एंड एमरेंथिस तो है ही पी पटेटो भी लगता है फिर आ गया यहाँ पर जो आपका डेजर्ट वाला एरिया है यहाँ पर आपको सी बक्थॉन ये भी आपका न्यूज में रहा है इसे भी हम आगे थोड़ा सा देखेंगे न्यूज में था चिलगोजा है चिलगोजा के लिए हम जी टैग मांग रहे हैं तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं कि ये कौन से जोन में उगाया जाता है देन इज आमंड अक्सर इनके ऊपर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं आपको वरायटी नाम दिए दे, दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है ये किसकी वेरायटी है तो आपके पास ऑप्शन होंगे आमन है एप्रिकॉट है या पीच है या फिर आ, आपकी शीप है सो तो फिर इस तरीके से वहां पर आपको कन्फ्यूज करते हैं ये तो देख लिए हमने मेजर क्रॉप्स अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन की अगर हम प्रोडक्शन देखें तो मैक्सिमम आपकी मेज की हिमाचल प्रदेश में प्रोडक्शन रहती है उसके बाद में वीट आता है टोटल अगर हम देखें तो पल्सेस भी अच्छी खासी यहाँ पर प्रोड्यूस की जाती हैं इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन एक थोड़ा सा सिंस ये आपका इकोनॉमिक सर्वे में आता है सो तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जो है रिलेट आप कर सके जैसे मैं लास्ट में आपको एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी बताऊंगी उसमें दो स्टेटमेंट्स अगर आपको दिए हैं कि फिर आगे आपका पोटेटो वेजिटेबल्स एंड जिंजर सो इनकी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी प्रोडक्शन की जाती है अब इसको हमने कैसे ज़्यादा करना है कम करना है ये हम आगे फ्यूचर में देखेंगे बात करते हैं फटाफट फड़ से कुछ प्रीलिम फैक्ट्स की अभी प्रीलिम फैक्ट्स जो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं एज आई टोल्ड यू अक्सर वैरायटी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मेज की अगर हम बात करते हैं तो मेज की आ, कुछ कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पर वेराइटीज दी गई हैं हिम वन टू थ्री गैंग थ्री विजय अंबर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा ये किसकी वेरायटीज हैं तो ये मेज की हैं वी टॉक अबाउट लिंकन विला सो ये आपकी पी की वैरायटी है वी टॉक अबाउट टोमेटो सो टोमेटो सबसे ज्यादा हमें सोलन डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं सोलनी गोला इज अ काइंड ऑफ टोमेटो ओनली ये भी यहाँ पर एक टोमेटो uh, की वेराइटी है सोलन को हम मशरूम सिटी के नाम से भी जानते हैं यहाँ पर नेशनल मशरूम रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है राइट right? ठीक है अब जो आलू हैं वो बहुत टाइप की आ, वेराइटी यहाँ पर अगेन रखते हैं टाइप्स के होते हैं जो यहाँ पर उगाए जाते हैं वो हैं आपके कुफरी आ, चंद्रमुखी कुफरी अलंकार कुफरी जीवन कुफरी ज्योति कुफरी आ, गिरिराज पुखराज अशोक ज्वार ज्योति सिंधी बादशाह गुलमार्ग सो एक बार अगर आप देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि नहीं ये तो आपके आलू के टाइप थे आ, सिंस कुफरी ज्यादा इसमें क्यों यूज किया जा रहा है क्योंकि सेंट्रल पोटेटो रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कुफरी में है नाइनटीन 56 में इसको जो है शिफ्ट किया गया था पटना के लिए उसके अलावा लाहौल वैली के पटेटो काफी ज्यादा फेमस हैं ये क्यों फेमस हैं इनको वायरस फ्री कहा जाता है और हायर क्वालिटी के हैं ज्यादा महंगे बिकते हैं हिमाचल को होम ऑफ सीड पटेटो भी कहा जाता है उसके अलावा टेंथ पोजिशन के ऊपर पूरे इंडिया में है पोटेटो की प्रोडक्शन में एंड हिमाचल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा शिमला में आलू उगाए जाते हैं नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सीबक थॉन के बारे में एज ए टोल्ड यू ये अभी न्यूज में था अभी क्यों था इसको हम लोकली चारमा भी कहते हैं उसके अलावा ये कहाँ पर अभी इसको कमर्शियली उगाने की बात की जा रही है लाहौल में तो क्यों इतना ये स्पेशल है ये स्पेशल इसलिए है थोड़ा ज़िद्दी प्लांट है ज़िद्दी प्लांट यानी कि इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए एक्सट्रीम टेम्परेचर जो है ये यहाँ पर सहन कर सकता है बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रखता है उसके अलावा सॉइल इरोजन और डेजर्टिफिकेशन में भी हेल्प करता है तो लाहौल वैली याद रखना है पहली बार और ट्रेडिशनली uh, इसको पहले भी यूज़ किया जाता था अभी आप अमेज़ोन पर भी देखेंगे तो सीबकथान के सोप्स मिल रहे हैं टूथपेस्ट मिल रहा है इसका हर पार्ट जो है यूज़ किया जाता है मेडिसिनल तरीके से चाहे इसका फ्रूट uh, है लीफ ट्विग रूट थॉर्न हर चीज यहाँ पर यूज की जाती है तो इसका जो रूट सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि वो uh, आपके सॉइल इरोजन में हेल्प करता है देन एज आई टोल्ड यू इट आल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग डेजर्टिफिकेशन सो इसी के लिए इसको कमर्शियली उगाने की बात की जा रही है सो नेक्स्ट कम्स किन्नौरी काला जीरा अब इसको जीआई टैग भी दिया गया है अब नो no डाउट जो काला जीरा है वो हिमालयाज में काफी ज्यादा उगाया जाता है उगाया भी जाता है जंगली भी होता है पर जो किन्नौरी काला जीरा है उसको जीआई टैग मिलने के थोड़े डिफरेंट रीजंस थे जैसे कि आपका इसका जो अरोमा और टेस्ट है वो डिस्टिंक्टिव है यूनिक है और इसकी काफ़ी ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ अगेन यहाँ पर ये रखता है तो एक जो आपको पता होनी चाहिए चीज़ दैट इज़ आपका कि ये किन्नौर का फेमस है जी टैग उसको मिला हुआ है उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा हाइट पर यहाँ पर उगाया जाता है एंड जो है यहाँ पर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रखता है अब इसका फ़ायदा क्या होगा पहली बार जी टैग मिल गया है दैट मीन्स एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है वहाँ की एक अच्छी आइडेंटिटी बनी हुई है इसकी जो फार्मर्स हैं उनको फ़ायदा होगा जो अपनी एक्स्ट्रा इनकम वो यहाँ पर बढ़ा सकते हैं नेक्स्ट कम चुल्ली ऑयल तो चुल्ली ऑयल को भी साथ में इसके काला जीरा के साथ में ही जिया टैग मिला था अब ये आपका एक वाइल्ड एप्रीकॉट होता है जिसमें से इस ऑयल को निकाला जाता है ये आपके बहुत अलग अलग फार्मास्यूटिकल यूजेस रखता है अगेन कार्डियोवास्कुलर डिजीज में कोलेस्ट्रॉल में हेल्प करता है देन इज आपके स्किन हेयर ग्रोथ बहुत जगह इसको यूज़ किया जाता है कहाँ उगाया जाता है दैट इज़ शिमला मंडी कुल्लू सिरमौर देन uh, आपका किन्नौर और लाहौल स्पीति इसे यहाँ पर एक लीकर भी बनाया जाता है जिसे हम घंटी कहते हैं बेसिकली गर्म तासीर का होता है तो ऊपर किन्नौर वाले साइड पे अगेन जो ठंडा इलाका है वहां पर इसको स्पेशली uh, यूज किया जाता है नेक्स्ट इज पिस्ताशियो जिसे हम पिस्ता कहते हैं इसको थोड़े डिफरेंट टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती है दिन में इसको थर्टी सिक्स uh, डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चाहिए यानी कि जो है गर्म टेम्परेचर चाहिए फिर शाम की अगर हम बात करें तो रात को इसको सात डिग्री के आसपास टेम्परेचर चाहिए तो थोड़े डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए जैसे ईरान ट सीरिया में वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्तर पर इसे उगाया जाता है इस तरीके का टेम्परेचर हमें कहाँ देखने को मिलता है किन्नौर लाहौल स्पीति और चंबा में फर्स्ट टाइम इसको किन्नौर में एटीन में ही जो है किन्नौर में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था तो अब क्वेश्चन क्या बनता है कि कहाँ पर इसको उगाया जाता है तो आपका जोन फोर आप देख सकते हैं ड्राई टेम्परेट जोन में इसको उगाया जाता है एज आई टोल्ड यू इसको विंटर्स uh, जो है सफिशेंटली कोल्ड चाहिए और जो समर है वो थोड़ा ज्यादा यहाँ पर अगेन हॉट चाहिए uh, उसी तरीके से यहाँ पर नट में मेच्योर करता है नेक्स्ट इज एमरेंस अब ये आपका वन ऑफ ट्रेडिशनल अगेन क्रॉप्स यहाँ पर माना जाता है यूजुअली इसको आप सभी डिस्ट्रिक्ट्स में देख सकते हैं स्पेशली कोई लगाता नहीं है बस लग जाता है ठीक है लेकिन प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी अच्छी हैं इसे हम चरेली आ, या चुलाई के नाम से जानते हैं ठीक है इसमें आपके लड्डू बनते हैं इसका साग बनता है इसके अगेन इसको जब आपके सीड्स को पफ करके इसका राइस बनाया जाता है इसका रायता बनता है इसकी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं ठीक है थीके? इसके भी अगेन हमें टाइप्स देखने को मिल सक मिलते हैं जैसे आप रेड देख सकते हैं ग्रीन वाला ये अलग अलग स्पीशीज़ हैं कुछ इस तरीके से इनके नाम रहते हैं साउथ इंडिया में Kerala, Tamil Nadu, उस तरफ देखने को मिलता है, है कोलेस्ट्रॉल है उसको कंट्रोल करता है देन ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करता है हाइपरटेंशन और अनिमिया में भी यहाँ पर इंप्रूवमेंट दिखाता है सो दिस इज वन ऑफ दिनल क्रॉप ऑफ हिमाचल देन बात करते हैं हींग कल्टिवेशन की दो इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी किया है इसे भी देख लीजिएगा तो हींग जो है हम मैक्सिमम मैक्सिमम तो क्या हंड्रेड परसेंट जो है इंपोर्ट करते हैं नाइन्टी परसेंट जिसमें से अफगानिस्तान में से आता है इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसका रूट जो है उसमें से ग्रेजन निकलता है एक पूरा प्रोसेस रहता है उसके लिए वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा उसको देख लीजिएगा क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं फर्स्ट टाइम हिमाचल में इंडिया में आ, हिमाचल में लगाया गया कहां पर लगाया गया सो दैट इज आपका क्वारिंग विलेज ऑफ लाहौल स्पीति ये 2020 में लगाया गया था अभी इसको बढ़ाया जा रहा है क्योंकि नो डाउट no जो आपका टाइम है वो ज़्यादा लगता है आपके पांच साल लगते हैं इसके पौधे को बनने में फिर आप डिसाइड करते हो कि आपको इसका सीड चाहिए या फिर आपको ये जो है रेजन चाहिए जो हींग निकलता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा महंगा बिकता है तो जो फार्मर्स हैं उनको फ़ायदा होगा हमारा इम्पोर्ट जितना हम कर रहे हैं वो कम होगा एंड जो है

इकोनॉमी पढ़ रहे हैं अभी एग्रीकल्चर पढ़ा फिर हॉर्टिकल्चर एंड अदर सेक्टर्स पढ़ेंगे फिर फाइनली इंडस्ट्रीज भी पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास है उसकी प्रोसेसिंग में हमें किस तरीके से निकलना है सो so नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लिमिटेशन की जो हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर में यहाँ पर हमें लिमिटेशन देखने को मिलती है तो so, सबसे पहला बड़ा सा है आपका आ जाता है हिली टोपोग्राफी अब जब एग्रीकल्चर पंजाब में किया जाता है हिमाचल में किया जाता है उसमें बहुत सारा डिफरेंस है एक बड़ी लैंड होल्डिंग है यहाँ पर टेरेस फार्मिंग की जाती है वहाँ पर आपको एक बड़ी लैंड जो है होल्डिंग मिल जाती है आप उसके ऊपर एग्रीकल्चर करते हो प्रोड्यूस कितना रहता है उसके ऊपर भी फ़र्क रहता है Uh, यहाँ पर जो आपकी सॉइल्स हैं उनकी फर्टिलिटी भी कम है नेचुरल कैलिमिटीज यहाँ पर बहुत सारी होती हैं। चाहे आपकी ड्रॉट है हेल स्ट्रॉम है सो so, रिसेंटली जो है हमने एक हेल स्ट्रॉम के लिए गन भी बनाई है <laughs> उसके ऊपर भी मैंने वीडियो किया था वो भी देख लीजिएगा हमने क्या किया कि किस तरीके से जो एक प्रोसेस होता है हेल स्ट्रॉम बनने का हेल होता है ओले है ना ओले किस तरीके से गिरते हैं उसके लिए एक गन बनाई गई उसमें से साउंड वेव्स इस तरीके से निकलती हैं कि वो ओले बनने ही नहीं देती सो so, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं सिंस करंट अफेयर्स में ये आते हैं तो अक्सर आपको पता होने चाहिए ठीक है फिर उसके अलावा नेचुरल कैलमिटीज़ अर्थक्वेक्स हैं या आपके स्ट्रॉम्स हैं क्लाउड क्लाउडबर्थस हैं इनके इनकी वजह से जो आपकी स्टैंडिंग क्रॉप है उसके ऊपर फर्क पड़ता है फिर आगे आपका पोटेंशियल ऑफ इरीगेशन अगर हम हिमाचल की बात करें तो यहाँ पर आपकी एट्टी जो एरिया है दैट इज़ रेनफेड रेनफेड का मतलब है कि वो मानसून के ऊपर डिपेंड करता है वो बारिश के ऊपर डिपेंड करता है इसका मतलब क्या है कि जब बारिश नहीं हो रही होगी या नहीं होती है तो इसके लिए हमने कनाल इस तरीके के इरीगेशन सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल

नेक्स्ट कम्स इंफ्रास्ट्रक्चर अब हमारे पास में हम कुछ प्रोड्यूस भी करते हैं अगर उसको स्टोर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो दिक्कत हो जाती है अगर हम चेरी प्रोड्यूस करते हैं तो वो सिर्फ एक जगह हिमाचल में स्टोर हो सकती है डेट इज़ आपका ऊना में जो फ़ूड पार्क बना हुआ है अब जो ऊना से काफ़ी ज़्यादा दूर रहते हैं फार्मर्स थोड़ी चेरी उगा रहे हैं या जो है उनके पास में इतना ट्रैवल करने के लिए अगर वो करेंगे तो कमाएंगे क्या इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें आ, सही डिस्टेंस पे फार्मर से सही डिस्टेंस पे यहाँ पर डेवलप करना है नेक्स्ट इज जो मार्केट लिंकेज है वो पुअर है अनरिलाइबल है फार्मर को दूर जाना पड़ता है अपना प्रोड्यूस बेचने के लिए उसमें वो कमा नहीं पाता इस तरीके की चीजें फिर आती है लो रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी लो रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि वो किसी एक क्रॉप के ऊपर डिपेंड कर रहा है अब उस वो इतना अवेयर है नहीं क्योंकि यहां पर देखिए सबसे बड़ा इशू तो अवेयरनेस का रहता है उसने सिर्फ एक क्रॉप उगाया है जो खराब हो गया उसकी वजह से उसको बहुत नुकसान यहां पर होगा उसको हेल्पिंग सेक्टर्स भी चाहिए अब उसको जो है उसने हॉर्टिकल्चर में भी कुछ लग इन्वेस्ट करके रखा है उसने कोई और प्लांट भी लगा के रखा है उसने थोड़ी सी दालें लगाई हुई हैं सो इस तरीके से पुअर परचेजिंग पावर भी हम देखते हैं जो अच्छी क्वालिटी के

सो so, हमें जो है इस तरीके की अवेयरनेस लानी है इस तरीके की जो सब्सिडीज हैं वो दी जाएँ या फिर जो ट्रैक्टर्स हैं उनको काफ़ी एक बड़े जैसे एक विलेज है वहाँ पर एक दिन पे भेज दिया जाए तो वो एक दिन में सब के सब करवा लेंगे वो जो पूरा आपका खर्चा है वो सब लोगों के बीच में डिवाइड हो जाएगा इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर आनी ज़रूरी हैं देन फाइनली ज थ्रेट ऑफ स्ट्रे एनिमल्स एंड मंकीज सो ये तो थ्रेट रहता ही है इसके लिए सब्सिडी भी दी जाती है जिसको हम स्टेप्स ऑफ स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने लिया है उसमें आगे पढ़ने वाले हैं जिसमें एक बाब वायर जो आपकी कांटे वाली तार है वो आप अपनी क्रॉप um, को बचाने के लिए वहां पर लगा सकते हैं तो अब बात कर लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर में किस तरीके का जो है डेवलपमेंट किया जा सकता है फ्यूचर में देखिए कुछ तो पॉइंट्स आपके ये जो आपके लिमिटेशंस हैं उनमें से ही निकल कर आते हैं जैसे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है एक अच्छी मार्केट प्रोवाइड करनी है जो फार्मर्स हैं उनको अवेयर करना है तो वो तो वहाँ से बेसिक से आ जाएंगे लेकिन जो स्ट्रांग पॉइंट्स होते हैं जैसे कि हमें यूज़ कम करना है अब जो पेस्टिसाइड्स हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं एज वी सी द ट्रेंड जो मैक्सिमम आपके अब हम देख सकते हैं आ रहा है कि हमें ऑर्गेनिक खाना है या लोग जो है अपने डाइट कॉन्शियस हो गए हैं इसी की वजह से हम देख सकते हैं सिक्किम आसाम वाला जो एरिया है उन्होंने सब कुछ ऑर्गेनिक करना शुरू कर दिया है जो पेस्टिसाइड्स हैं और जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज़ कम कर दिया है जिसकी वजह से एक अलग तरीके की मार्केट यहाँ पर बन रही है ठीक है फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है जो आपका वाटर टेबल है ग्राउंड वाटर है उसको रिप्लेनिश करना है देन वी टॉक अबाउट इंक्रीज दी मेज़ प्रोडक्टिविटी मेज की ही नहीं और क्रॉप की भी करनी है यूजिंग बेटर ऑफ ऑफ क्रॉप नेक्स्ट इज फार्मिंग यानी कि हमें सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है हमें स्मार्ट वर्क करना है माइक्रो इरिगेशन है पॉली पॉलीहाउसेज है ये सब जो अवेयरनेस है वो आपके फार्मर तक जानी चाहिए देन इज पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड एफिशियंट मार्केटिंग सिस्टम टोल्ड यू हमें स्टोरेज सिस्टम चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए फार्म मैकेनाइजेशन करनी है जिसकी वजह से जो कॉस्ट है लेबर की वो भी कम हो और जो फार्मर है जितना वक्त बचेगा वो उतने टाइम में कुछ और भी तो लगाएगा उतने आ, जिसकी वजह से उसकी जो इनकम है वो बढ़ेगी और उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो बढ़ेगा और इस तरीके से आपका पूरा सोशियो इकोनॉमिक कल्चर जो है वो यहाँ पर ठीक होने की बात की जा रही है आर एन डी करना है रिसर्च तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी हींग जो है हमने लगाया आ, या फिर हम सेफरन लगा रहे हैं ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हैं ये आर एन डी की वजह से हैं बहुत सारी मेहनत यहाँ पर और भी हमें करने की जरूरत है देन वी टॉक अबाउट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सिर्फ गवर्नमेंट को आगे नहीं आना है जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो भी आगे आकर यहाँ पर जो है हेल्प कर सकते हैं देन इज एग्रोप्रोसाइसिंग एंड वैल्यू एडिशन अब ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी किस तरीके से फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ रोडोडेंड्रोन होते हैं तो रोडोडेंड्रोन की हम वाइन बनाते हैं हम उसकी चटनी बनाते हैं हम उसका जैम बनाते हैं और उसको प्रोसेस करके वैल्यू एड करके उसको आगे बेचा जाता है एच पी एम सी बेसिकली यही करता है एप्पल की जो है यहाँ पर जूसेस बेचे जाते हैं या प्लम की चटनी है जैम है ये सब चीज़ें सो so, उसको कहते हैं हम एग्रो प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन देन इज इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड फाइनली सॉइल टेस्टिंग एंड सॉइल हेल्थ कार्ड सो ऐसा नहीं है कि है नहीं है सॉइल uh, टेस्टिंग की जाती है लाहौल स्पीति को छोड़ के हर जगह ऑलमोस्ट ये सोइल टेस्टिंग सेंटर्स बने हुए हैं लेकिन बात तो वही है कि लोगों को अवेयर होना जरूरी है जो फार्मर्स हैं उनको पता भी तो होना चाहिए जब उनको नॉलेज होगा इसके बारे में तो वो समझेंगे कि इस तरीके का फर्टिलाइजर डालने की जरूरत है ये वाला नहीं डालना है सो so, ये वाली अवेयरनेस हमें लेकर आनी है सो so, फाइनली हम बात करते हैं इनिशियटिव टेकन बाई गवर्नमेंट अभी अक्सर जो है ट्रेंड यही देखा गया है कि क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है कि वॉट आर दी इनिशियटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड सो एंड सो सो अगर एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो यहां पर कुछ स्कीम्स हैं जो आपके अगेन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे में से ली गई हैं। पहली आ जाती है आपकी प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना इसमें हम बात करते हैं फर्टिलाइजर्स एंड जो पेस्टिसाइड्स हैं उनको यूज़ नहीं करना है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी इसी कहा जाता है सुभाष पालेकर का भी इसी के लिए आइडिया यहाँ पर उठकर आया था फिर आगे आपका मुख्यमंत्री नूतन पॉलीहाउस योजना इसमें सब्सिडी दी जाती है अगर आप पॉलीहाउस लगाना चाहते हैं देन इज राष्ट्रीय कृषि विकास योजना नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी ज़्यादा टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व किया जाए एग्रीकल्चर में मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना इसमें जो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रे एनिमल से अगर आप बाब्ड वायर कांटे वाली तार जो है अपने फील्ड के आसपास लगाना चाहते हैं उसके ऊपर 80 परसेंट सब्सिडी दी जाती है देन इज सॉइल टेस्टिंग प्रोग्राम फर्टिलइजर कंजम्पन एंड सब्सिडी देन इज प्लांट प्रोटेक्शन प्रोग्राम इनमें से किसी एक या दो को भी आप लिख देंगे तो बात बन जाएगी एग्रीकल्चर क्रेडिट है फिर आपका नेशनल मिशन नॉन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है ये तो आपने नैशनल लेवल पर भी पड़ा होगा देन इज आपकी कृषि उत्पादन संरक्षण योजना तो ये वही है आपकी एंटी हिल जिसमें जो ओले पट्टते हैं उनके नेट के ऊपर सब्सिडी दी जाती है दैट इज एटी परसेंट अगेन कृषि से संपन्नता योजना सो so, इस तरीके की जो स्कीम्स हैं उनको आप कोट कर सकते हैं बाई द एंड ये आपके गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं सो so, इन सारी स्कीम्स को आप जो है वहां पर लिख सकते हैं कि ये ये इनिशिएटिव्स आपके गवर्नमेंट ने लिए हैं फाइनली लेट्स मूव फॉरवर्ड हम क्वेश्चन देखेंगे पहले प्रीलिम्स बेस देख लेते हैं वेयर इज सेंट्रल पोटेटो रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड अभी ये आपके ऑप्शन है चाइल्ड चायल्ड मशोबरा नारकंडा एंड कुफरी आपको सही आंसर बिल्कुल पता है सही आंसर इज कुफरी मैंने आपको बताया पोटैटो के टाइप्स भी हमने देखे नाम भी उनका कुफरी से शुरू हो रहा था कुफरी गिरिराज कुफरी अलंकार एंड ऑल सो वो कुफरी आ गए राइट नेक्स्ट इज विच सिटी इज नोन एज द मशरूम सिटी ये भी आपको पता है शिमला चंबा सोलन या कांगड़ा द करेक्ट आंसर इज सोलन देन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैज फेवरेबल कंडीशन फॉर द प्लांटेशन ऑफ शुगर केन अभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है तो आपके पास वही चार जोन दिए गए हैं सब माउंटेन लो हिल्स सब ह्यूमिड मिड हिल्स जिन्हें हम कहते हैं देन इज वेट एंड ड्राई हाई हिल्स तो द करेक्ट आंसर इज आपका जो शुगर केन है वो उगाया जाता है सब माउंटेन एंड लो हिल्स में नेक्स्ट इज uh, यहां पर पूछा है मेज इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ हिमाचल प्रदेश फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन ड्यूरिंग 2019 एंड ट्वेंटी और हिमाचल एट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेज का इंडिया में इनमें से इनकरेक्ट पूछा है ये वाले वर्ड भी इंपॉर्टेंट रहते हैं तो इनकरेक्ट कौन सा है कोई भी इनकरेक्ट नहीं है दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है सो so हिमाचल में सबसे ज्यादा आपका मेज का ही फूड uh, प्रोडक्शन हुआ है देन वी टॉक अबाउट हिमाचल ऑल ओवर इंडिया तो यहाँ पर एथ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेज का नेक्स्ट इज कल्याण सोना एच पी डब्ल्यू वन फाइव फाइव और एच पी डब्ल्यू टू फाइव फाइव ये हाई हिल्डिंग वेराइटीज है कौन से क्रॉप की आपके ऑप्शन है मेज पटेटो वीट या फिर राइस सो so, ये मैंने जानबूझ के छोड़ दिया था ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये वीट के टाइप्स हैं कल्याण सोना स्पेशली याद रखना है ये आपके वीट के वेराइटीज हैं मेन्स की बात करें तो मेन्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द एवरेज साइज ऑफ ईच ऑफ द वेरियस कैटेगरीज ऑफ लैंड होल्डिंग्स इन हिमाचल प्रदेश रेंजिंग फ्रॉम मार्जिनल टू लार्ज इन हेक्टेयर सो बेसिकली आपको वो पूरा टेबल है वो आपको याद होना चाहिए था तभी आप इसको कर सकते थे फिर हम बात करते हैं कि फार्मर्स को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है मेजर लैंड फॉर्म्स रिफॉर्म्स की बात की गई है वो हमने सारे एक्ट्स देखे थे टेनेसी एक्ट था आपका कंसोलिडेशन ऑफ फ्रेगमेंटेड एक्ट था ये सारे के सारे हमने लैंड रिफॉर्म्स देखे थे वो आप देख सकते हैं ये बाकी बचे हुए क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर के हैं इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करने वाली हूँ तो एरोमेटिक प्लांट्स के ऊपर ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है इनिशिएटिव क्या लिए हैं हिमाचल गवर्नमेंट ने देन इज़ आपका हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स कौन से हैं जो आपके लाहौल और किन्नौर के फेमस हैं देन वी टॉक अबाउट हार्टीकल्चर के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं इनफैक्ट तो हॉटीकल्चर को हम तसली से बैठ के करने वाले हैं सीड सर्टिफिकेशन है फिर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है इसके ऊपर जो है मेन ऑब्जेक्टिव इसके पूछे गए हैं सो दीज आदी क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आ नेक्स्ट वीडियो दैट इज इट फो टूडे आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विन द नेक्स्ट वीडियो